हाय एवरीवन, तो परचेस करी है हमने एलजी की वॉशिंग मशीन फ्रंट लोडेड, जिसकी कैपेसिटी है 8 kg, 5 स्टार। टेक्नीशियन आए थे इसको अनबॉक्सिंग करने के लिए और इंस्टॉल करने के लिए, तो ये वीडियो होने वाला है डिटेल डेमो का कि कैसे वॉशिंग मशीन को हमें यूज़ करना है, कैसे उसमें कपड़े डालने हैं, कैसे वॉश होंगे कपड़े और किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इसमें आपके 14 टू 15 क्लॉथ्स आराम से जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लोड करना है, ध्यान रखना है 70% से ज्यादा ना हो, ठीक है। फिर ये आपने क्लोज किया, डिटर्जेंट आपको यहाँ पे डालना है। ये अगर आप कंफर्ट यूज करते हो तो कंफर्ट के लिए कंफर्ट मुझे इधर डालना है और डाइल्यूट करके डालना है, आधा कंफर्ट और आधा पानी डालना है। अच्छा, ठीक है। और ये प्री वॉश के लिए है। अगर प्री वॉश क्या होता है, जैसे ज्यादा हैवी सॉइल कपड़े आपको डबल वॉश करना है, हाँ। तो आपको 20% यहाँ पे भी डालना होगा डिटर्जेंट, और 100% जो भी है आपका। बंद कर दिया आपने, पावर ऑन करना है, ठीक है। पावर ऑन करोगे आपका प्रोग्राम आ जाएगा कॉटन पर, हाँ। अगर आपको प्रोग्राम चेंज नहीं करना है, हाँ। तो डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हो, हाँ। इसमें जैसे स्टार्ट करोगे तो टेम्परेचर और स्पीड वो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, अपने आप कैप्चर कर लेगा। स्कैनिंग होगा, हाँ। स्कैनिंग होने के बाद ये लॉक हो जाएगा, गेट लॉक होगा, हाँ। इसके बाद ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर आपको सपोज अगर आपको सपोज कुछ चेंज करना है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको चेंज करना है ये आपका कॉटन प्लस, तो कॉटन प्लस करके आपको स्टार्ट करना है। ये रेगुलर कॉटन जैसे जीन्स पैंट वगैरह हो गया, ये कॉटन मीन्स कॉटन के बड़े कपड़े, बड़े कपड़े, ये मिक्स फैब्रिक ऑलमोस्ट ये यूज करेंगे, मिक्स फैब्रिक और स्टार्ट करेंगे तो आपका रेगुलर वॉश के लिए चल जाएगा, ठीक है। इजी केयर जो लाइट सॉइल कपड़े होते हैं, ठीक है, यदि वेयर है, साइलेंट वॉश अगर आप नाइट में वॉश कर रहे हो, नजर वगैरह नहीं चाहिए आपको, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन वो साइलेंटली वो वॉश होगा। ओके, ये एलर्जी केयर, ये जो दो प्रोग्राम है आपके, ये जो रेड में दिया हुआ है ये स्टीम वाले प्रोग्राम है, इसमें आपका टेम्परेचर थोड़ा हाई हो जाता है, हाई हो जाएगा, ये बेबी केयर है, ये जो न्यू बॉर्न बेबी है, स्टेरिलाइज हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं इस प्रोग्राम पर, ठीक है। ये आपके डेलिकेट कपड़े हैं ना, सिल्क वगैरह के या कुछ वर्क किया हुआ है, ये हैंड एंड वूल के लिए, ये अंडरगार्मेंट है या स्वेटर वगैरह है, साड़ी वगैरह है, इसमें चले जाएगा। ये स्पोर्ट्स वेयर है ना, नाइट सूट वगैरह है, जॉगिंग पैंट वगैरह, ये आपका क्विक 30। अगर अप टू 2 kg लोड है, अगर आपका 4-5 कपड़े है, तो आप ये क्विक वॉश करके स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। ये डुएट आपका ब्लैंकेट वगैरह जो है, अच्छा, टॉयज वगैरह है, हाँ, भी आप वॉश कर सकते हैं। ये टब क्लीनिंग है, ये टब क्लीनिंग कैसे रहती है, ये इसमें कंपनी का पाउडर आता है, हाँ, वो मुझे पता है, पता है, हाँ, हाँ, तो आपको परचेस करना है, हाँ, पैकेट पूरा 100 ग्राम यहाँ पे डालना है और आप टब क्लीनिंग सेट करके स्टार्ट करना है। तो ये कितने कितने एवरी 40 वॉश के बाद करना रहता है, 40 to 60 वॉश के बाद करना ही है, दो महीने में कर सकते हो, ठीक है। फिर रिंस प्लस स्पिन, अगर आपको जैसे आपने मेड ने आपने वॉश कर लिया है और आपको खाली खंगालना है और निचोड़ना है, तो फिर हम लोग रिंस प्लस स्पिन करके स्टार्ट कर लेना है, ठीक है, ठीक है, हाँ। और सपोज खाली आपको स्पिन करना है तो पावर स्पिन और स्टार्ट कर देंगे तो ओनली फॉर स्पिनिंग होगा, स्पिनिंग होगा, ठीक है, अंडरस्टूड। और अगर आपको प्रोग्राम में कोई चेंजेस करना है तो आप ऐसे जैसे मिक्स फैब्रिक किया आपने या जो भी किया आपने, इजी किया या जो भी है, सेट करके स्टार्ट कर देना है। इसमें टेम्परेचर और स्पीड बाय डिफॉल्ट आता है, बाय डिफॉल्ट आता है, ठीक है। जैसे अगर आपने मिक्स किया तो इसमें आ गया टेम्परेचर, अगर आपको इसमें टेम्परेचर भी कम करना है वो हम कर सकते हैं, वो मेरे को आइडिया है। इसमें आप जैसे प्रोग्राम कोई सेट करते हैं उसमें आपको रिंस एडिशनल चाहिए तो आप रिंस भी प्लस कर सकते हो, अच्छा। प्री वॉश करना है तो प्री वॉश भी एडिशनल ले सकते हो, ठीक है, ऐसे। तो ये सिर्फ डिले एंड टाइमिंग है, जब टाइम सेट करते हो, हाँ। वो उसका फिनिश टाइम होता है, हाँ। ठीक है, okay। जैसे 1 घंटे का प्रोसेस है या 1.5 घंटा है तो वो बिफोर 1 आवर स्टार्ट हो जाएगा, 5 आवर्स में कम्प्लीट होके बंद हो जाएगा, अच्छा। ये डिले स्टार्ट इसलिए करते हैं, यहाँ पर पर्टिकुलर कोई टाइम पे पानी आता है, हाँ, और उस समय आप घर पे ना हो, उस टाइम पर आप शुरू हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। और इसमें जैसा भी आपने प्रोग्राम सेट करके स्टार्ट कर दिया, कोई भी प्रोग्राम सेट करके स्टार्ट कर दिया, अब ये जो है स्कैनिंग हो रहा है अभी आपका, ठीक है, अभी लॉक हो गया, आपको तुरंत याद आता है कुछ ऐड करना है हमको, हाँ। तो आप ऐड आइटम को प्रेस करोगे तो ये लॉक रिलीज हो जाएगा, तब ये खुलेगा गेट, वो भी तब तक जब तक पानी प्रॉपर आया नहीं है, यस, राइट, अगर पानी भर रहा है तो फिर नहीं हो पाएगा। हमें क्या क्लीनिंग करनी है अपने एंड पे, तब क्लीनिंग करना है बस आपको, और ये नीचे से कुछ करना है, ये वाले से, ये तो जैसे कोई कॉइन वगैरह अगर पानी ब्लॉक हो गया तो अपने आप इसमें आ जाता है, क्लीन करना है, ठीक है, राइट।
तो टेक्नीशियन के जाने के बाद हमने स्टार्ट किया कपड़ों को वॉश करना। मशीन में कपड़े डाले, मोड सेलेक्ट किया मिक्स्ड फैब्रिक, पानी की सप्लाई ऑन करी। जहाँ पे वॉशिंग पाउडर डालते हैं वहाँ पे वॉशिंग पाउडर डाला, और जैसे ही ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया ऑटोमेटिक टाइम आ गया 1 hour 6 minutes। अच्छा, ये जो मशीन है हमने क्रोमा से परचेस की है ऑफलाइन, ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है क्रोमा में, अमेज़ोन पे और फ्लिपकार्ट में भी आपको मिल जाएगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इसकी एक्चुअल प्राइस है 57,000, पर आफ्टर डिस्काउंट ही हमें पड़ी 44,000 की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय द वीडियो।